लास्ट बोलो भाई कितनी मिनट, ये एक ही चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज़ अ मॉर्निंग टाइम और यू कैन सी माई फेस। मैं अभी उठी हूँ और थोड़ा सा ऑयलिंग की हूँ बिकॉज आज हम जाने वाले हैं स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए और मुझे मेरा साथ देने वाली मेरी दीदी। सो उसके लिए मुझे होना है गेट रेडी। मैंने एक्चुअली में एक आउटफिट भी मंगाया था तो आज वो वेयर करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो ये है मेरे पास एक फ्लावर गाउन जो मैंने मीशो से मंगाया है। कैन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आई थिंक मुझे सूट भी करेगा। वेट, ओके। तो ये कुछ ऐसा लॉन्ग गाउन है ये। सो आज ये पहन के हम रेडी होंगे। बहुत ही बेसिक और मिनिमाइज सा मेकअप रखेंगे बिकॉज मैं बुर्का पहन के जाने वाली हूँ तो किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होने वाला। सो फर्स्ट मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, फिर हम साथ में रेडी होंगे और साथ में शॉपिंग करेंगे। Let's go guys. So I am ready to go. मैंने ये गाउन है मैंने वो वेयर किया है तो इसका शॉट जो मैं रेडी हुई हूँ ना वो आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो चलते हैं, मैं वैसे बुर्का पहनने वाली हूँ। सो लेट्स गो। टैक्सी नहीं मिलती रहती थी, टैक्सी की वेलिंग कहीं शुरू हो जाती। सो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना इसे बेसिकली कहा जाता है भिंडी बाजार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बिकॉज हम लोग जाने वाले हैं नागखुदा तो हमें जाना है टैक्सी से। दीदी के घर से हमें टैक्सी मिलने में थोड़ा टाइम लग गया था बट फिर भी हमें एक अंकल मिल गए थे जो हम शालीमार के नियर बाय में तक छोड़ दिए। यू कैन सी द ट्रैफिक, मतलब इतना ह्यूज ट्रैफिक है कि क्या बोले। अच्छा मुझे रास्ते में ना ये कुछ बैग्स दिखे थे जो बहुत ही चीप में वो दे रहे थे। दूर से बहुत ही अच्छे लग रहे थे बट जब नज़दीक आके मैंने हाथ में लेके देखा तो बहुत ही ओल्ड से थे प्लस गंदे टाइप नहीं होते, इसे हाथ में लगाने के मिट्टी सी लग जाती है। तो मैंने एक से दो बैग को शेक करी बट मुझे नहीं पसंद आया था तो फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए। मैंने ये दो बैग पसंद करी थी, एक येलो वाला और एक ये ब्लैक वाला बट ये बहुत गंदा सा फील आ रहा था, गंदे गंदे से लग रहे थे तो हम लोग ने छोड़ दिया। पुराने आगे देखना नया तो फिर आते कम नहीं वैसे नहीं यार। देख वो वहाँ पर
पकड़ो शूट करो तो यहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया था जो 250 रुपीस में मुझे इजीली मिल गया। काफ़ी अच्छा बैग था, सो मैंने फटाफट से खरीद ली। अब हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। ये नाखुदा का मार्केट स्टार्ट होता है यहाँ से, सो मुझे कुछ ड्रेस लेने हैं तो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कपड़े लगे होते हैं, बहुत सारे कपड़ों के बाद लेबल लगे होते हैं 750, 650, 600। आपको जो समझ में आता है आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो मुझे एक ड्रेस दिखा था तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ ये वाला सिर्फ दुपट्टा और ये ठीक है ना, ले लो। कलर है इसमें, कलर नहीं आते, सब साइज आते। साइज कैसी है ये, कितना खोल के दिखाओ ना जरा। 50 रुपए कम दे दूंगा, बताओ और निकाल के। ऐसे सभी अच्छे लगेंगे अपने और लेने का है। रेशु दी हाँ ठीक है, लास्ट कितने में देंगे? कम करो भाई, और जो दुपट्टा दिखाओ कॉटन का। अच्छा डिसेंट है, मतलब आने जाने के सब से अच्छा है। और मेरे को नहीं दी इन्होंने 50 रुपये भी कम नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए। वो मैं अनम के लिए देख रही थी, वैसे बैग नहीं पसंद आएगा उसको, उसको मेरे से चीज़ें पसंद आती हैं डिसेंट। चलो आगे देखते हैं। हाँ किसके लिए लूँ? अच्छा आप बता रहे हो, ये पैंट वाली है वो। चलो आगे देखो भाई, इसमें के दुपट्टे दिखाओ ना, लास्ट टाइम में लेके हाँ प्लेन में दिखाओ नहीं ये तो दिखाओ ना, आप दिखाओ कलर कौन सा है आपके पास। ये इसमें दिखाई ना ब्लैक होगा, नहीं नहीं उसे पास वाला सिमर में आ गया। ब्लैक
मैंने जो बुर्की के ऊपर स्कार्फ पहनी थी ना, तो यहाँ पे वैसे स्कार्फ वगैरह मिलते, तो मुझे एक वाइट कलर में था, बट रेशू जी को ब्लैक में लेना था और उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ब्लैक ही ले, बट मैंने वाइट ही ली। पहले मैं ब्लैक ली, जब उसको खोल कर देखे ना हम लोग ने, तो मुझे कपड़ा प्रॉपर नहीं लगा, तो मैंने फिर उसको वाइट में ही ली। ये जो सारी चीज़ें मैं खरीद रही हूँ ना यहाँ पे, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो भी मैंने स्ट्रेट से खरीदी हूँ उस चीज़ों को मैं रिव्यू करूँगी, बिकॉज ये आपको दिखाने में ही कि हम यहाँ गए थे शॉपिंग की। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें कितने में ली, ठीक है। अंदर जाने का तुमको देखो गाउन अटे है, कौन सा तुम बोलो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपको हैवी कुछ नहीं चाहिए, पैंट है बताइए, रेडीमेड वाला है पैंट ना कुछ नहीं। आगे देखेंगे, उधर भी है पीछे की सोच, उधर पीछे भी है। वो मालूम चाय वाली की गलियों में रहते, वहाँ पे अच्छे रहते। पहले आज तक जगह ना खत्म हो गया, कलर
मैंने कभी शूट कर दुपट्टा कैसा है इसका? भाई उधर तो कौन रेड है? तो रेड में कलर होगा पता नहीं। कौन सा रेड हो? रेड ब्लैंडिंग में रेड दिख रहा है। वो ग्रीन और रेड। ये अच्छा नहीं कलर नहीं चल रही है। क्या बोल रहे हो? वही रेड भाई, वो तो रेड कलर है। ऊपर रेड, ऊपर वाला रेड। हाँ आयो, उसमें कलर मिले। लेगा ना नीचे जा के क्या? चलो तुम पसंद करो। भाई दो ही कलर है इसमें। चल आगे देखते हैं। रखा पर्स रखा है ऊपर। हाँ हाँ कलर बताओ इसमें। हाँ इसी में कलर बताओ। कलर तो मालूम पड़ेगा। दुपट्टे देखो इसका। दुपट्टे में भी है ना पूरा स्टोन लगा हुआ, खाली ऐसा नहीं कि बॉर्डर आई स्टोन है। कितना पहला वाला और कलर वाले नहीं थे। कलर है इसमें, पूरा कलर मिल जाएगा। बगैर कलर की आइटम ही नहीं हुई अपने पास। ₹2200 का आएगा इसमें, तीन कलर आएंगे। एक लगन हुई देखिए वाइन वाला, वाइन फ्लेवर वाला। ये नहीं अच्छा लग रहा चीज़ देखो, पसंद है ये अच्छा लग रहा ये ला। हाँ तो ये कलर मेरे पे हैवी नहीं सी पीछे ऐसे में कलर और देख कौन सा वाला। वाइन वाला भाई, वाइन वाला ही दे दो। वाइन वाला भाई के दो चाहिए ना दिखाओ। ऐसे कलर में कोई और डिजाइन नहीं है। भाई वो कलर कितने डिफरेंट है। नहीं नहीं ना मत वो नहीं, डिजाइन के ऊपर कलर चार्ट डिजाइन के ऊपर आते हैं। टी शर्ट चार्ट 2000 की रेंज के टी शर्ट टॉप पीस इसमें उड़ा है मरना से मेरे को। ये कलर अच्छा लग रहा है। हां नीचे वाला, नीचे वाला या देखो ब्लू चाहिए था। इसमें ब्लू भी था ना किसमें? वाइन में ब्लू ऑलरेडी मेरे पास है। या तो ग्रीन लूँगी या तो फिर ये भी अच्छा लग रहा है। ये हाँ कलर भी तो मस्त है। कलर मस्त है। इसके दुपट्टे दिखाओ ना। ये कितना वाले? आगे भी देखते थे 16 पीस। अच्छा भाई बहुत अच्छा ही लग रहा है। मैं इसको साइड में रखूँ? इसको भी साइड में। तुम बैग में डाल दो ना सब सामान। बेचारी मेरी बहन नहीं उठाने चल रहा।
क्या बोलते बोलो तू बोलते वही दो ही ठीक है और कभी आगे पसंद आया तो फिर ले लेंगे सारे सीए में क्या करूँगी तो गाड़ी गर्दी हो गई पानी की बोतल भी लगा बोतल लाए तुम मेरा लेना चाय पी लो चाय पी क्या दुकान का नाम है ये ईरानी चाय ईरानी चाय अभी हम लोग जहाँ है ना वहाँ पी रहे ईरानी चाय बहुत फेमस और बहुत ही सर्दी में भी तो अच्छा फेस दिखता तो तू ये दाली ना यार तो यहाँ पे मुझे जैद छोड़ने आ रहा है टैक्सी तक
बिकॉज टैक्सी नहीं मिलती है, तो मेरा बच्चा मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। सो ये था आज का पूरा दिन, बस घूमने फिरने में निकल गया और शॉपिंग करने में। तो मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ों को रिवील करूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, बिकॉज सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई, कई कई शूट भी नहीं हुआ। सो मिलते हैं नए वीडियो में गाइस, अल्लाह हाफिज़।